सेक्शन 39 का एकदम क्विकली आपको बढ़िया से रिवीजन करवा के दे रहा हूं मैं एलएलपी का, जो इंपॉर्टेंट भी है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस से रिलेटेड। अब ये ऑफेंसेस को कंपाउंड करने का मतलब क्या होता है, देखिए तो पहला जो सबसेक्शन है वो यही कहता है कि रीजनल डायरेक्टर या कोई भी अथराइज पर्सन, जो कौन अथराइज करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, वो ऑफेंस को कंपाउंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑफेंस को कंपाउंड कर सकते हैं। कंपाउंड का मतलब होता है ऑफेंस को सेटल कर सकते हैं। जैसे कि समझो, क्या मैं ये कहना चाहता हूं, मान लो सर एक कोई पार्टनर है, इस पार्टनर को पता है कि उसने क्या किया है, उसने कुछ गलत किया है जिससे उसको 2 लाख से लेके 5 लाख तक का फाइन लगने वाला है। लेकिन ये फाइन कब लगेगा? जब 3-4 साल बेटा कोर्ट केस चलेगा, मेंटल हेरासमेंट होगा, उसके बाद उसको फाइन लगेगा 2 से 5 लाख के रेंज का। तो ऐसे केस में ये जो पार्टनर है या जो भी गलत पर्सन है वो रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन देता है और कहता है काम करो, आप मुझसे आज ही पैसा कलेक्ट कर लो फाइन का, बस मुझे मेंटल हैरेसमेंट से रोक लो। ये जो 3 साल तक मेरे साथ मेंटल हैरेसमेंट होगा इससे प्लीज मुझे बचा लो, आरडी प्लीज बचा लो, आप आज ही मुझसे फाइन कलेक्ट कर लो। एक बात ध्यान रखना, आप कंपाउंडिंग केवल फाइन वाले ऑफेंसेस का कर सकते हैं। मतलब कि सर अगर फाइन प्लस जेल है तो ऐसे ऑफेंसेस को कंपाउंड किया जा सकता है क्या? नहीं सर, नहीं किया जा सकता, ऐसा पहला सबसेक्शन आपसे कहता है। तो आप क्या कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ 3 साल के बाद बजाय आपको, आप कह रहे हो कि एक काम करो आज ही भाई तू मेरे से पूरा पैसा ले ले और खत्म कर इस किस्से को। आप ऐसा पहला सबसेक्शन कहता है। अब देखो दूसरा सबसेक्शन इसका क्या कहता है कि मान लो सर आपने कोई ऑफेंस कमिट किया और उस ऑफेंस का आपने कंपाउंड कराया, तो जिस दिन आपने कंपाउंड कराया ना, वहां से लेके आप सिमिलर ऑफेंस को अगले 3 सालों में कंपाउंड नहीं करा सकते। मतलब सर यहाँ पे मैंने फिर से वही ऑफेंस कमिट किया, मैं इसको कंपाउंड नहीं करा पाऊंगा। लेकिन सर ये ऑफेंस मैंने 3 साल के बाद यहाँ पे फिर से किया, तो क्या मैं इसको सेटल, क्या मैं इसको कंपाउंड करा पाऊंगा क्या? हाँ सर बिल्कुल करा पाऊंगा, हम इस ऑफेंस को ऐसा मान लेंगे जैसे ये नया नवेला ऑफेंस है, ऐसा ट्रीट कर लेंगे, ऐसा इनका कहना है। ठीक है सर, अब देखो अब क्या तरीका रहने वाला है कंपाउंडिंग का। तो सबसे पहले जो दुखी आत्मा है, जो पर्सन है बेटा, वो एप्लीकेशन देता है आरओसी को। वो क्या देता है बोलो? एप्लीकेशन देता है आरओसी को। अब ध्यान देना क्या, अब अगर मैं कहूंगा आप लोगों के साथ, अब देखो क्या, अब ये जो आरओसी है ना, ये एप्लीकेशन प्लस उसके ऊपर का कमेंट, क्या कह रहा हूं मैं बोलो? एप्लीकेशन प्लस उसके ऊपर का कमेंट, एप्लीकेशन प्लस उसके ऊपर का कमेंट किसको पास करता है? ये पास करता है आरडी को। किसको पास करता है बोलो जल्दी से? आरडी को पास करता है, ठीक है ना? ओके, आरडी को एप्लीकेशन प्लस उसके ऊपर का कमेंट पास करेगा। ओके सर, अब देखो क्या बोल रहा है, अब आरडी को अगर कोई इंफॉर्मेशन मांगना होगा तो वो इंफॉर्मेशन भी मांग सकता है कंसर्न पर्सन से, जो भी इंफॉर्मेशन उसको लगती है। अब देखो क्या, अब सर एक बार आपने एप्लीकेशन दे दिया, अभी तक सर हो सकता है कि प्रोसिक्यूशन चालू ना हुआ हो, तो अब न्यू प्रोसिक्यूशन लगेगा क्या? नहीं लगेगा। और सर अगर अब पहले से प्रोसिक्यूशन इनिशिएट हो गया था, मतलब आपके खिलाफ कार्रवाई चालू हो चुकी थी, तो वो कार्रवाई को स्टॉप कर देंगे, यानी कि वो कार्रवाई को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। सर आरओसी एप्लीकेशन देंगी कोर्ट को और बोलेंगी ये एप्लीकेशन अब आरडी के पास जा चुका है, अब आपकी जो प्रोसीडिंग्स है उसको रोक दो, आपका काम यही तक था, ठीक है ना? आपका काम यही तक था। ओके सर, अब फिर यहाँ पे क्या हुआ बेटा, अब यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है, ये इंफॉर्मेशन वगैरह बुला सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बुला सकता है। इसके बाद देखो सर, अब आरडी जो है ना बेटा, समझना, आरडी जो भी अपना ऑर्डर देता है, एक बार आरडी ने जो भी अपना ऑर्डर दिया, तो जब भी ऑर्डर दिया वहां से 7 दिन के अंदर आरडी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा इस बात को। किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा? आरओसी को। और आरओसी इस बात को बताएंगे किसको? पर्सन को। और पर्सन अगर इस ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करता है, क्या नहीं करता है बोलो? कंप्लाई नहीं करता है, तो याद है आपको जो मिनिमम फाइन थी बेटा, मिनिमम फाइन कितनी थी? 2 लाख से 5 लाख ना, अब ये फाइन ट्वाइस हो जाती है, मतलब अब ये जो फाइन लगेंगी ना पर्सन को, वो 4 लाख से 10 लाख के बीच की फाइन लगेंगी, ऐसा लास्ट प्रोविजन कहता है, ऐसा लास्ट सबसेक्शन कहता है कि अब ये जो फाइन है ना
ये 2x हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आरडी ने जो ऑर्डर पास किया आपने उस ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं किया, तो कोई बात नहीं, हम आपसे 2x फाइन लेंगे, जो ओरिजिनली इस सेक्शन में लगनी चाहिए थी उससे डबल अमाउंट की फाइन अब हम आपसे वसूलेंगे, ऐसा इसका अर्थ होता है। ऐसी बातचीत यहाँ पे की जा रही है, क्या आप इसको समझे? क्या बोलो ना बेटा मुझे, क्या आप इस बात को, सारे के सारे लोग जल्दी से बताइए मुझे, क्या आप इस बात को समझे? क्या क्विकली बोलो, जल्दी से बोलो, अभी के भी बोलो, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं सारे लोग? फटाफट जल्दी जल्दी बता दो, है ना, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं सारे? यस सर, बोलो जल्दी से मुझे, यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, बस यहाँ पे किस्सा आपका समाप्त हो जाता है। गॉट इट एवरीवन? कम ऑन एवरीवन, जल्दी से बोलो गॉट इट, है ना, एकदम इजी इजी, बस यही है बेटा। क्या यही है? सेक्शन नंबर 39 जो बात करता है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस से रिलेटेड।